श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंग्लिश अल्फाबेट के आई अक्षर से शुरू होता है, उन लोगों के साथ साल 2021 में क्या होगा, इस वर्ष में आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव होने वाला है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आप सुनते रहें, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, धनु स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे जय सिया राम कमेंट कर दें। कमेंट करने के बाद बात करते हैं इस वीडियो के गुरु मंत्र के बारे में। गुरु मंत्र है कि इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यही था इस वीडियो का गुरु मंत्र। और अब बात करते हैं कि आपके साथ साल 2021 में क्या क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमा लेते हो तो पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। दोस्तों, यह एक वीडियो आपके आने वाले एक वर्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ इस वीडियो को आप सुनते रहें। तो सबसे पहला है आपका पारिवारिक जीवन। दोस्तों, साल 2021 आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत में आपके घर परिवार का माहौल खराब रहेगा, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में आपके घर वालों के साथ आपका संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआती महीने में आपके घर परिवार का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा, आपके घर में सभी लोग तनाव में रहने वाले हैं और इस वजह से पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन घर परिवार का माहौल सामान्य हो जाएगा मार्च के महीने के बाद से, और पूरे वर्ष में पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर सबसे अच्छा वक्त देखा जाए तो जून का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने में आपके घर परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर से सेप्टेम्बर के बाद का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से खराब हो जाएगा। और सितंबर के बाद आपके घर परिवार का माहौल खराब होगा, क्योंकि इसी बीच में मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल के गोचर के बाद आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपके घर परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे, तो अपने परिवार के माहौल को, अपने घर वालों को आप खुश करने का प्रयास करें। और इस पूरे वर्ष में साल का शुरुआत और साल का मध्य आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। इसके बाद है आपका वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन भी 2021 में ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में केतु और मंगल के वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध खराब होगा, और केतु और मंगल के वजह से आपके वैवाहिक जीवन में आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी और आप दोनों के संबंध में दूरियां, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, साल 2021 में गुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे और मंगल व केतु के ऊपर ये अकेले हावी रहने वाले हैं, और बृहस्पति के वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। इसके बाद है आपका प्रेम संबंध। है दोस्तों, साल 2021 में
प्रेमी जातकों को उनके प्रेम संबंध में प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को समझने में आप गलती करने वाले हैं और इसी कारण से आप दोनों में नोक झोंक बहस काफी ज्यादा होगा। इस वर्ष में अपने प्रेम संबंध पे जो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे उनका प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा, परंतु जो लोग विश्वास करेंगे उनके प्रेम संबंध में भी संकटों का सामना उन्हें काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इस पूरे वर्ष में आपके प्रेम संबंध के लिहाज से अगर सबसे अच्छा वक्त देखा जाए तो सितंबर और मई का महीना आपके प्रेम संबंध के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपके करियर के बारे में। दोस्तों, करियर और नौकरी के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को साल 2021 में काफ़ी ज़्यादा उपहार मिलेगा। इस वर्ष में आपके कामकाज से आपके बॉस, आपके सीनियर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे और वो आपके पद में, आपके सैलरी में वृद्धि करेंगे और इस वजह से नौकरी के लिहाज से आपका समय शानदार हो जाएगा। परंतु आप में से जो भी लोग व्यापारी हैं, जिन लोगों का खुद का काम धंधा है, उन लोगों को साल के शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष के शुरुआत में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपका कामकाज खराब रहेगा, लेकिन अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के महीने के बीच का समय आपके कामकाज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष में शनिदेव की कृपा से आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आएगा, आपका कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में राहु और केतु के वजह से आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इस वर्ष में आपको नेत्र विकार, कमर, जंघा और पेट से संबंधित समस्याओं का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यही था आपके साल 2021 का राशिफल। इसके बाद बात करते हैं 2021 के उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि साल 2021 में आप गौ माता की सेवा करें और प्रतिदिन डेली अपने भोजन में से आप गो ग्रास निकालें। अगर आप इस उपाय को आजमा लेते हैं तो पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें और धनु स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।